नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक और बड़ी खबर आ रही है। हमने आपको बताया था कि कैसे लालू यादव की सलामती के लिए उनकी जो बेटी हैं रोहिणी आचार्य, उन्होंने एक साथ रमज़ान और नवरात्र दोनों का व्रत रखा है। इसके बाद हमने देखा कि कैसे सुशील मोदी, जो कि उनके पुराने मित्र रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, क्या रहे हैं वो खुद बताते हैं, लेकिन लालू यादव के प्रति ये जरूर है कि बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं सुशील मोदी। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके उन्होंने लालू यादव पर आरोप लगा दिया। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको पहले कि पहले रोहिणी आचार्य जी ने क्या लिखा था, किस मामले पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। रोहिणी आचार्य ने दो दिन पहले लिखा था, कल से रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है। इस साल हमने भी फैसला किया है कि पूरे महीने अपने पापा के सेहत के लिए, सलामती के लिए रोज़ा रखूंगी। पापा की हालत में सुधार हो और जल्दी न्याय मिल सके, इसके लिए दुआ करूंगी। साथ में मुल्क में अमन चैन और ईमान कायम हो, अल्लाह से कामना करूंगी। इसके साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया था, साथ में चैत्र नवरात्रि भी है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं दोनों पावन पर्व पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर सकती हूँ। मुझे किसी जहरीली परिवेश की नफरत सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। ये उन्होंने लिखा। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको, इस ट्वीट पर कहीं ना कहीं केंद्रित था सुशील मोदी का जो एक ट्वीट उन्होंने किया था। उस ट्वीट की वजह से सुशील मोदी पर बहुत सारे जो कह सकते हैं आरोप लगे, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा था, लालू प्रसाद न ठीक से हिंदू हो पाए, न इस्लाम की शिक्षा ग्रहण कर पाए। कोई भी धर्म गरीबों दलितों को सताने की इजाज़त नहीं देता। आज जमानत पर उनकी रिहाई के लिए परिवार के सदस्य व्रत और रोज़ा दोनों रखने के लिए बात कर रहे हैं। वे दरअसल किसी भी उपासना पद्धति के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लालू परिवार सत्ता और संपत्ति के लिए ईश्वर, छठी मैया और अल्लाह को भी धोखा देने की कोशिश करता है। ये उन्होंने लिखा था कल, जिस पर कहीं ना कहीं राजद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। राजद के जो मीडिया प्रभारी प्रवक्ता हैं, उन्होंने देखी क्या प्रेस रिलीज भेजा है, वो पहले समझिए। चित्रंजन गगन ने लिखा है कि राज्यसभा सांसद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मर्यादा को तोड़ रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में लोग कई आस्थाओं से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन सुशील मोदी ने इन आस्थाओं का उल्लंघन किया है। राजप्रवक्ता ने कहा कि सुशील मोदी धर्म भले ही राजनीतिक व्यापार का साधन बना लिए हों, लेकिन औरों के लिए यह जीवन शैली है। सुशील मोदी को लालू तेजस्वी परिवार से राजनीतिक विरोध अथवा प्रतिद्वंदता को समझा जा सकता है। यदि वे उस परिवार के किसी गैर राजनीतिक सदस्य के पूजा पद्धति और उसके धार्मिक आस्था पर कटाक्ष करते हैं, तो यह उनके सोच का निकृष्टतम उदाहरण है। संभव है कि अपने ही दल द्वारा राजनीति के मुख्य धारा से विलुप्त हो जाने के चलते, संकट में जाने के चलते वो ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा करने पर उनको कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन चूंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है और उन्होंने एक गैर राजनीतिक व्यक्ति पर हमला किया है, इसलिए उनकी जो ये बयान है उसकी हम निंदा करते हैं। चलिए, ये तो उन्होंने, राजद ने लिख दिया। अब रोहिणी ने भी तबीयत से इस ट्वीट के बाद सुशील मोदी जी को रगड़ दिया है। कैसे रगड़ा है वो आप देख लीजिए। सारे बयान जो उनके हैं वो यहाँ हम एक एक करके आपको पढ़ने वाले हैं। उन्होंने देखिए, पहले तो उन्होंने जो अपने भाई हैं उनकी तस्वीर ट्वीट की है कि कैसे उनके भाई जो नवरात्र कर रहे हैं, वो ट्वीट जो लिख कर जवाब दे रही हैं उसको सुनिएगा। माँ पापा को बदनाम करने के बाद हमको डराने आए हो, अपना पालतू को दुरुपयोग करके, मतलब इसे यहाँ पालतू किसी को कहा जाए, मेरे परिवार के नाम पे पलने वाले बरसाती मेढक के तरह भाग गया अपना परिवार लेके। तब डूबी जनता नज़र नहीं आ रही थी, छुलछुल मेढक जी, छुलछुल मेढक उन्हें कहा गया है, नाम का जो है उसका उपयोग उन्होंने किया है। हमको व्रत और रोजा पर ईश्वर अल्लाह को धोखा देने की बात वही नाकाम व्यक्ति कर रहा है जो ना ठीक से बिहारी हुआ ना ही राजस्थानी। इस चुनाव में भी बुरा हाल हो गया, ना घर का रहा ना घाट का। एक बात बताइए, अपनी पत्नी मंदिर जाकर पूजा करती है, हिंदू धर्म पर ज्ञान दे रहे हैं, खुद ईसाई से शादी किए हैं। मतलब इन्होंने सुशील मोदी पर हमला कर दिया है और कहा है कि उनकी पत्नी मंदिर नहीं जाती हैं, पूजा नहीं करती हैं, क्योंकि वो ईसाई हैं, शादी की हैं। और साथ में उन्होंने तस्वीर भी साझा कर दी है, एक तस्वीर में वो हाफ पैंट में नज़र आ रहे हैं, जब वो मैं ही मौजूद था, आपको याद होगा इस पूरी घटना का, जब पटना में बाढ़ आई थी तो इस जगह पर मैं खड़ा था, और ये जो वीडियो है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मेरे ही वीडियो जो मैंने की थी वहाँ से काटा गया है।
एक और तस्वीर उन्होंने साझा की है जिसमें वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं बोट पर, जो रेस्क्यू बोट गया था उनके घर से उनको लेकर आने के लिए। और उसमें उन्होंने लिखा भी है, सृजन चोरनी रेखा मोदी का मुंह चोरवा, देखो कैसे जनता को मरने के लिए छोड़कर भागा था, याद है ना आप लोगों को। और उसके अलावा उन्होंने और भी ट्वीट किए, मतलब सुशील मोदी पर सिलसिलेवार हमला खुद रोहिणी आचार्य ने कर दिया है, इसमें किसी और को कूदने की आवश्यकता ही नहीं छोड़ी उन्होंने। क्या क्या लिखा है वो भी सुनिए। हमें बांटकर वो राज कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का जाप कर रहे हैं, सत्ता में जो डूबा है पूंजीपतियों के हाथे देश नीलाम कर रहे हैं, धर्मों के नाम पर बांटने में माहिर है वो, इंसानियत के नाम पर पूरे जाहिल हैं वो, सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाएंगे वो, जनता को मार कर भी सत्ता का हवस मिटाएंगे वो। ये सारी जो ट्वीट्स है वो रोहिणी ने सुशील मोदी के ट्वीट पर किया है, जिसमें सुशील मोदी ने लिखा था कि लालू प्रसाद ने ठीक से हिंदू हो पाए ना इस्लाम की तालीम ली। और उन्होंने रोहिणी पर भी आरोप लगाया कि लालू परिवार जो व्रत करने की दुहाई दे रहा है वो करना नहीं चाहता है, बल्कि ये पाखंड है। तो कहीं ना कहीं कल भी आपने देखा था तेजस्वी यादव ने बहुत तबीयत से सुशील मोदी जी को रगड़ा था, इसे रगड़ने के अलावा कोई भाषा नहीं दिया जा सकता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात राजद तो कहती है लेकिन ये एहसास भी हो जाता है जब आप सुशील मोदी के ट्वीट्स को देखते हैं, उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखते हैं, तो आपको एहसास हो जाता है कि अपने कार्यों के अलावा उनका सबसे बड़ा जो दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है लालू प्रसाद यादव के नाम का गुणगान करना। और इसी चक्कर में वो फंस गए हैं इस बार। इस बार उन्होंने लालू यादव के तालीम को, धार्मिक तालीम को, उनके धर्म को, आस्था को, इन सबको, यहाँ तक छठ जैसे पर्व को भी इसमें सम्मिलित कर लिया है। तो रोहिणी आचार्य ने सिलसिलेवार ट्वीट करके उन ट्वीट की श्रृंखला हमने आपको दिखाई, सुशील मोदी की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। अब देखना होगा कि सुशील मोदी के बचाव में कोई उतरता है या इस कोई रेस्क्यू बोट आती है उनको उठाकर ले जाने के लिए, या खुद ही अपने आप को बचाने के लिए वो हाफ पैंट में फिर से निकलता है। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहेगा। ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। धड़ल्ले से धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।